तो ये बहुत अच्छा एक सवाल है कि चूंकि दुनिया का प्रेशर और सारा दिन हमारे जो ख्याल है और हमारा जो माहौल है वो सारा दिन हमको तंग करते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती है कि जो हमको ना सिर्फ फिजिकली बल्कि स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली भी बाधा करती है। क्या इसका कोई इलाज है, कोई तरीका है कि उसको हम या तो कम से कम कर दें या उसको नज़रअंदाज कर दें? बेशक और बिल्कुल है। जब कोई ऐसी चीज़ होती है, और अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे इसको, जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको क्यों बाधा करती है? सपोज करें फॉर एग्जांपल कि हमारे दोस्त है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे माँ बाप हैं या हमारे बच्चे हैं, वो कोई ऐसी हरकत करते हैं और फौरन से हमको गुस्सा आता है या ख्याल आता है कि ये शख्स ऐसा क्यों करता है, और फिर कभी हम गुस्सा करते हुए इसको बोलते हैं और कभी दिल में रखते हुए अंदर ही अंदर से जलते रहते हैं। इसकी क्या वजह है और उसका इलाज क्या है? इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हर शख्स वो काम करे जो हम चाहते हैं, जबकि ये बात मुमकिन नहीं है। हर आदमी वो काम करता है जो उसको करना होता है, और हमको वो काम करना है जो हमको करना है। हो सकता है हमारी हरकतें भी ऐसी हो जिसकी वजह से उसको बाधा करता होगा, और उसका इलाज बहुत आसान है। अगर आप उसको फ्री विल देते हैं, उसकी उसका इख्तियार देते हैं उसको कि वो इंसान है हमारे जैसा ही, जिस तरह से मेरे को वो काम अच्छा लगता है जो मैं करना चाहता हूँ, इस तरह से उसको वो काम करना जो वो करना चाहता है। अगर आप उसको फ्री विल देते हैं, उसको इख्तियार देते हैं कि वो काम करे जो उसको करना है, तो फिर वो चीज़ आपको बाधा नहीं करती है। क्यों? कि आप ये कहते हैं कोई बात नहीं है, शायद उसको ये अच्छा लगता हो तो इसलिए उसने ऐसा किया, फिर वो चीज़ आपको बाधा नहीं करती। आए दूसरी तरफ से आप कहेंगे नहीं भाई, ये काम करने का एक तरीका होता है, बस इस तरीके से चलना चाहिए। क्या आपने म्यूचुअली इस बात पे एग्री किया था कि हम फॉर एग्जांपल खिचड़ी ऐसा पकाएंगे? अगर आपने दोनों ने म्यूचुअली इस बात पे एग्री किया था, उसकी रेसिपी लिखी हुई थी, उसके स्टेप्स लिखे हुए थे, आपको पता ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी मर्जी है कि वो पानी जो है वो पौना कप डाले कि कप डाले, सॉल्ट जो है वो पौनी चमची डाले कि एक चमची डाले, और तेल का छिड़का देता है कि नहीं देता है उसकी मर्जी है। दाल को वो 5 मिनट धोता है कि 15 मिनट धोता है उसकी मर्जी है। खिचड़ी बन गई कि नहीं बन गई वो हमारा मतलब होना चाहिए। एंड रिजल्ट क्या है? हाँ, एंड रिजल्ट अगर गलत है, यानी कि अगर वो कहे कि नहीं खिचड़ी को जो आधा घंटा पकाना था मैं 4 घंटा पकाऊंगा और खिचड़ी जल जाएगी, तो फिर एंड रिजल्ट गलत है। फिर आपको डिस्कस करना होगा कि खिचड़ी का पकाना कैसा है वो तेरी मर्जी है, ऐसा ही पकाएंगे, लेकिन खिचड़ी को जलाना मकसद नहीं है, पकाना मकसद है। वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है आपका कि एंड रिजल्ट करेक्ट होगा, उसके मीन्स जो है यानी कि जो उसका तरीका है पकाने का वो कैसा, जो तुमको अच्छा लगे, मेरा तरीका है, आपका तरीका है। इससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्यों? कि आपने उसको इख्तियार दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारे, ना कि मेरी मर्ज़ी से। मैं बोलूँ खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए, मैं बोलूँ बैठ जाए तो बैठ जाए, ये तो
में कोई जानवर तो नहीं है, या आपका कोई कुत्ता तो नहीं है, उसको बोले सिट तो सिट कर जाएगा। इंसान है। आप देखें कि इमाम ने हमको फ्री विल दी है कि नहीं दी है। इमाम फरमान फरमा के जाते हैं, क्या कभी लौट के पूछते हैं कि आपने इस फरमान को माना कि नहीं माना? हमारी फ्री विल है कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमारी फ्री विल है कि हम कैसे मानते हैं। हमारी फ्री विल है कि हम एक घंटा इबादत करते हैं कि दो घंटा इबादत करते हैं। हमारी फ्री विल है कि हम 7 बजे की दुआ है तो 6:30 बजे जमा दे जाते हैं कि 7:02 पर पहुँचते हैं। वो हमारी फ्री विल है और इमाम हमसे हमारी फ्री विल को नहीं छीनता है। तो हम कौन से 30 मार्का हैं कि हम अपने भाई बहनों माँ बाप बच्चों सबकी फ्री विल को छीन लेते हैं, उनके इख्तियार उनको नहीं देते हैं। और क्या कहते हैं, तुम वो करोगे जो हम कहते हैं, उससे नुकसान हमारा ही हो रहा है, क्योंकि जब वो नहीं करते हैं तब कुछ नहीं। फिर हम अंदर से जलते रहते हैं, बाहर से गुस्सा करते हैं, अपना भी सारा दिन खराब करते हैं, अपने दिल के अंदर इंतशार देन जो है इधर उधर भटका हुआ, और सामने वाले को भी तकलीफ। आप उसको भी इख्तियार दें, अपना खुद का इख्तियार भी अपने पास रखें, यानी कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करें, जो उसको अच्छा लगे वो करें। म्यूचुअली एग्रीमेंट ये है कि एंड रिजल्ट करेक्ट होगा, यानी कि घर के अंदर खाना भी पक जाएगा, खाना चलेगा भी नहीं। अगर 19-20 हो गया और खाना तिखा बन गया या मोरा बन गया, कोई बात नहीं। सब्र कहाँ है हमारा? अगर हम कहते हैं कि खाना क्यों तिखा बन गया, फिर वही गुस्सा। हमारा फ्री विल क्यों है? हमारा सब्र किधर है? क्या आज हम तिखा और कल मोरा नहीं खा सकते हैं? क्या रोजाना खाना परफेक्ट ही होना चाहिए, और चाहे रोजाना गर्म ही होनी चाहिए, और रोजाना हमारे साथ खाने के साथ ये 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 होना चाहिए? क्या कम हो तो हम नहीं जी सकते हैं? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि वो गरीब आदमी जिसको दिन में एक मरतबा खाना मिलता है, एक वक्त में 4 खाने नहीं, दिन में एक मरतबा खाना मिलता है, तो फिर आपके अंदर उस सब्र का मादा होगा, और आप कभी नहीं बोलेंगे कि ये तीखा है, ये फीका है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये गर्म है, ये ठंडा है, जो भी होगा खा लेंगे। ये होता है एक मोमिन की निशानी। पहले आप एक अच्छे इंसान बन जाए, एक अच्छे मोमिन बन जाए, और उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। आप सब्र करें, दूसरे के इख्तियारों को ना छीनें, दूसरों को प्री जज ना करें। उसको तो खाना पकाना आता ही नहीं है, भाई आप उसको मौका तो दें। क्या आप अपने माँ की पेट से सीख कर आए थे? क्या आपने आस्ते आस्ते रफ्तार रफ्तार सीख लिया था? आप उसको भी सिखाएं प्यार मोहब्बत से, सीख जाएगा रफ्तार रफ्तार। और नहीं भी सीखते तो क्या हो गया, आप खुद तो अच्छा खाना बनाने जानते हैं ना, पका लें। ये कुछ तरीके होते हैं जिंदगी गुजारने के। आप सुकून से जिंदगी गुजारें, आप आराम से दूसरों को इंसान की तरह ट्रीट करें, उसको प्री जज ना करें, उसके इख्तियार को ना छीने, सब्र करें। तो खामा खाई हर बात पे कंप्लेन कंप्लेन और कंप्लेन ना करें। क्यों? कि कंप्लेन करने से सबसे बड़ा नुकसान आपका खुद का है, आपके खुद का सुकून चैन चला जाता है। फिर आप सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं, रात को इबादत में आपको तंग करता है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, और चूंकि हम कराची में बैठे हुए हैं तो ये मिसाल बिल्कुल सही है, और अगर किसी और कंट्री में भी हो सकता है ये मिसाल अच्छी हो। मासी ने ये काम नहीं किया, मासी लेट आई, मासी ने वो किया, सारा दिन ये सुनाई देता काम। अगर इतनी बुरी है तो आपने उसको रखा क्यों? या आप उसको इंसान की तरह ट्रीट करें, उसको कमतर ना समझे, फिर देखें वो दोस्त की तरह आपके लिए कैसा काम करता है।
अगर आप उसको बेन बना लें तो आपकी बेन आपके लिए कैसा काम करे? आपने देखा, अगर आप उसको एम्प्लॉय की तरह रखेंगे तो वो बस एक एम्प्लॉय है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके सुकून से भी कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने 300 रुपये से मतलब है, आपकी रात और आपके सुकून से उसको कोई मतलब नहीं है। आपने जैसा उसको ट्रीट किया उसने आपको ऐसा दे दिया, तो आप हरगिज ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में ना लाए और क्यों चार दिन की सुकून और जंजाल के लिए, चार दिन की जिंदगी के लिए, चार दिन की दुनिया के लिए अपने 96 दिन का काम क्यों खराब करते हैं?